आज दिनांक 1 जुलाई 2023 को रोटरी क्लब आरा की तरफ से रेड क्रॉस ब्लड बैंक रमना रोड में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज। एक खबर आरा से निकलकर आ रही है कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 1 जुलाई को रोटरी क्लब आरा के नए पदाधिकारियों का चयन किया गया। वर्ष 2023-2024 के लिए श्री संजीव गुप्ता अध्यक्ष, श्री पंकज प्रभाकर सचिव एवं श्री कृष्ण माधव अग्रवाल को कोषाध्यक्ष पद पर चयनित किया गया। नए पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से अपने सत्र की शुरुआत स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन करके किया। आज के कार्यक्रम में भारी संख्या में रोटरी क्लब के सदस्यों की उपस्थिति रही, जिसमें वरिष्ठ सदस्य श्री राममूर्ति प्रसाद, श्री अवधेश पांडे, डॉक्टर जिवेश कुमार, श्री राम कुमार सिंह, श्री मनोज कुमार निराला, श्री गोपाल प्रसाद, श्री संकेत गुप्ता, आदित्य कुमार आदि की गरिमा में उपस्थिति रही। इस अवसर पर श्री संजीव गुप्ता अध्यक्ष ने कहा कि रोटरी क्लब आरा हमेशा से सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए अपनी भागीदारी समाज में निभाता रहा है। रक्तदान इसी कड़ी में एक छोटा सा प्रयास है। इसी कड़ी में कल दिनांक 2 जुलाई को गिद्धा इंडस्ट्रियल एरिया में प्लांट के बीच में भी रक्तदान कराने की योजना है। प्लांट के कर्मचारियों को उत्प्रेरित किया गया है कि वे स्वैच्छिक रक्तदान कर पीड़ित मानवता की सेवा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। एक्चुअली 1 जुलाई 2023 को हर साल हम लोग जो है जुलाई में 1 तारीख को जो नया सेशन शुरू होता है हम लोगों का, उसमें हम लोग रोटरी क्लब ऑफ आरा जो है हम लोग सभी सदस्य, हमारे सीनियर मेंबर्स, डॉक्टर्स मेंबर्स और हमारे सब जितने भी सदस्य हैं, सब हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं रेड क्रॉस में आके, और ये परंपरा बरसों से चलती रही है। हम लोग जो है हमेशा समाज के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। ये हम लोगों का एकमात्र ध्येय है कि जितना भी मतलब कि हो सके हम लोगों के द्वारा, हम लोग समाज के जो भी लोग हैं, चाहे गरीब हों, गुरबा हों या स्कूल है, जहां भी हो सकता है हम लोग लोगों को मदद करते रहते हैं। जी, संजीव गुप्ता, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ आरा। इसके अतिरिक्त पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अगले सप्ताह रोटरी क्लब की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जो पूरे वर्ष समय समय पर चलता रहेगा। इस अवसर पर सचिव श्री पंकज प्रभाकर ने बताया कि हमारा प्रयास होगा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कुरीतियों को रोकने में रोटरी क्लब ऑफ आरा की तरफ से पूरे वर्ष हम कुछ न कुछ कार्यक्रमों का आयोजन करते रहें। जैसा कि आप जानते हैं, रोटरी क्लब सामाजिक विकास में अपनी भागीदारी निभाता रहा है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम लोग नए नए कार्यक्रमों का आयोजन कर जनपद के लोगों को लाभ पहुँचाने का प्रयास करते रहें। श्री कृष्ण माधव अग्रवाल कोषाध्यक्ष ने कहा, मेरी कोशिश होगी कि आर्थिक रूप से रोटरी क्लब को समृद्ध करने में सहयोग करूं और नए सदस्यों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करता रहूंगा। सबसे बड़ी बात है कि रोटरी क्लब हर साल रक्तदान शिविर लगाता है, और रक्तदान एक ऐसा पर्व है जिससे जीवन बचता है। रक्तदान महादान होता है, और हम अपील करेंगे युवा और हर तरह के लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान कीजिए। रक्तदान से आप किसी का जीवन बचा सकते हैं। पैसा बहुत लोग दान करता है, मंदिर मस्जिद सब लोग बनाता है, लेकिन रक्तदान करना बहुत बड़ा दान है। और मैं पुनः आज के कार्यक्रम में रेड क्रॉस के पदाधिकारियों की भी सहभागिता रही। पूर्व वाइस चेयरमैन डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य श्री अशोक शर्मा, डॉक्टर बीपी सिंह एवं ब्लड डोनेशन समिति के सदस्य एवं संयोजक डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा, श्री शमशाद प्रेम, सिद्धार्थ सिंह बंटी आदि पूरे समय उपस्थित रहे। आज के कार्यक्रम में जिन रक्तदाताओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया, उनके नाम इस प्रकार हैं: डॉक्टर श्री कुमार, चंद्र भानु गुप्ता, अमित आनंद, मंजीत आनंद, विकास कुमार, मनोज कुमार निराला, श्रीकांत कुमार, शैलेंद्र सिंह, हिमांशु कुमार, हिमाक कुमार, लालू कुमार, समीर कुमार चौधरी, सरवन कुमार, विकास कुमार, जय बिकेश कुमार, विनय कुमार, तुषार कुमार, विशाल आनंद आदि। आज के संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विभा कुमारी, सचिव रेड क्रॉस की देखरेख में हुआ। रेड क्रॉस ब्लड बैंक के लैब टेक्नीशियन प्रभात मिश्रा, धर्मेंद्र कुमार पांडे, मनोज शाह, नज उनिशा नवंबरी, सुमन कुमारी एवं अमोद कुमार, राजेश सिंह, विकास कुमार तथा ओम प्रकाश की सहभागिता सराहनीय रही।